नाउ वी विल सी एग्जाम्पल ऑफ वर्क डन. वर्क डन एफ एस कॉस थीटा होता है. वर्क डन इज एफ एस कॉस थीटा. अगर वर्क डन एफ एस कॉस थीटा है, आप ध्यान से देखिए, ये मोटा आदमी फोर्स आगे की तरफ लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ हो रहा है, इसके लिए थीटा 0 डिग्री हो गया. कॉस 0 डिग्री इज प्लस वन. वर्क डन इज एफ एस कॉस 0 डिग्री पॉजिटिव. ये जो बंदा है ये पीछे फिसल रहा है, फोर्स तो ये आगे लगा रहा है, इस तरफ लगा रहा है, पर जा उल्टे डायरेक्शन में रहा है, इसके लिए थीटा हम 180 लेंगे. थीटा अगर 180 है तो इसका वर्क डन कैसा है, ये नेगेटिव हो गया. ये जो बंदा ऊपर बैठा हुआ है, इसने फोर्स नीचे लगाया है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है, थीटा 90 डिग्री है, कॉस 90 इज 0, वर्क डन इज 0. सो वर्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्केलर जिसकी पॉजिटिव वैल्यू भी है, नेगेटिव भी है, 0 भी है. पावर की बात करते हैं. पावर वर्क अपॉन टाइम है. वर्क हमेशा पॉजिटिव है, तो अगर वर्क हमेशा पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर वर्क नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और 0 है तो 0. एनर्जी के साथ भी वही है. एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, एनर्जी कैन बी नेगेटिव, और एनर्जी कैन बी 0. अगला प्रॉपर्टी है, अ स्केलर मे और मे नॉट बी फ्रेम डिपेंडेंट. अ स्केलर मे और मे नॉट बी फ्रेम डिपेंडेंट. मास का एग्जाम्पल ले लीजिए. इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मास को कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं. आप अर्थ से देखिए, मून से देखिए, प्लैनेट के किसी भी कॉर्नर से देखिए, मास की वैल्यू चेंज नहीं होगी. अच्छा, मास और वेट में कभी कंफ्यूज मत होइए. वेट इज़ मास इनटू ग्रेविटी. मास इज़ क्वांटिटी ऑफ मैटर. मास इंडिपेंडेंट है फ्रेम से. काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं. वी ऑल नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर. ना काइनेटिक एनर्जी फ्रेम डिपेंडेंट कैसे है, कैसे है फ्रेम डिपेंडेंट? अब जैसे एक लड़का ए ग्राउंड पे खड़ा है, लड़का बी इस बस के अंदर खड़ा है, बस चल रही है. नाउ ए को तो बस भी चलती हुई दिख रही है, लड़का भी चलता हुआ दिख रहा है, बॉक्स भी चलता हुआ दिख रहा है, तो ए के हिसाब से बॉक्स की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है. लेकिन बी को बॉक्स चलता हुआ नहीं दिख रहा. अगर बी को बॉक्स चलता हुआ नहीं दिख रहा तो बी के हिसाब से बॉक्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है? बॉक्स की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर नहीं हो सकती, क्योंकि वो उसको देखता हुआ चलता हुआ तो देख ही नहीं रहा. तो इसके हिसाब से इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है. इसके हिसाब से बॉक्स की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है. इसके हिसाब से बॉक्स की काइनेटिक एनर्जी 0 है. सो काइनेटिक एनर्जी इज फ्रेम डिपेंडेंट. लेट्स टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी भी डिपेंड करेगी, हाइट पे डिपेंड करेगी. 0 लेवल आपने कहाँ माना है, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh. तो हाइट अगर आप चेंज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी. चार्ज एक ऐसा स्केलर है जो फ्रेम इंडिपेंडेंट है. आप जैसे मूविंग फ्रेम के अंदर से देखिए या स्टेशनरी फ्रेम के अंदर से देखिए, चार्ज आपको क्या दिखाई देगा? सेम दिखाई देगा. अगली प्रॉपर्टी, अ स्केलर मे और मे नॉट बी कंजर्वड इन अ प्रोसेस. मे और मे नॉट बी कंजर्वड इन अ प्रोसेस. एक प्रोसेस के अंदर ये कंजर्व हो भी सकता है और कंजर्व नहीं भी हो सकता. फॉर एग्जाम्पल, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्वड. चार्ज एक ऐसा एग्जाम्पल है जो हर हाल में कंजर्वड रहेगा. मास और एनर्जी ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. वी विल टॉक अबाउट अ प्रोसेस कॉल्ड एनाइलिएशन प्रोसेस. एनाइलिएशन प्रोसेस में एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, दो होते हैं. पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन बोलते हैं. इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है. नॉर्मली नहीं दिखता आपको, न्यूक्लियर प्रोसेसेस के अंदर दिखेगा. मास में दोनों बराबर हैं, चार्ज में भी दोनों बराबर हैं, नेचर ऑपोजिट है. इसका माइनस वन ले रहे हैं तो इसका प्लस वन. अब ऐसा है, जब ये दोनों पास पास आते हैं तो ये गामा रेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, एनिहिलेट हो जाते हैं. दे गेट डिस्ट्रॉयड, मासेस गेट डिस्ट्रॉयड, और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं. गामा रेज, दो गामा रेज. नाउ लेट्स सी, मास बिफोर द प्रोसेस एम प्लस एम टू एम, चार्ज बिफोर द प्रोसेस प्लस ई माइनस ई जीरो. वट इज़ द मास आफ्टर द प्रोसेस? ये रेज हैं, रेज में कोई मास नहीं होता. गामा रेज जो हैं उनमें कोई मास नहीं होता, रेज में कभी मास नहीं होगा. मास 0, चार्ज भी 0. वी सी दैट कि मास भी 0 है और चार्ज भी क्या है? 0 है. इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर. अब हो क्या रहा है, जो भी मास गायब होता है उसको हम मास डिफेक्ट कहते हैं. जो भी मास गायब होता है हम उसको क्या कहते हैं? मास डिफेक्ट. मास डिफेक्ट की बात अगर हम कर रहे हैं तो इस बात को आप समझ लो कि यहाँ जो भी मास गायब हुआ वो सारा का सारा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. यहाँ सी स्पीड ऑफ लाइट है. नाउ दिस वॉज गिवन बाई आइंस्टाइन
मास एनर्जी इक्विवेलेंस ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, तो एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा पहले एनर्जी ऑफ द सिस्टम वॉज लो, नाउ द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ हाई। हुआ क्या, यहाँ पे एनर्जी भी कंजर्व नहीं हो रही, एनर्जी इज़ इंक्रीज्ड। एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज्ड हो रही है। अगली प्रॉपर्टी है स्केलर मे और मे नॉट बी वेरिएंट इन नेचर। एक स्केलर जो है वो वेरिएंट हो भी सकता है और वेरिएंट नहीं भी हो सकता। नाउ वेरिएंट से मतलब क्या है, कोई भी चीज़ जो वेरी कर सकती है उसको वेरिएंट कहते हैं। जैसे मास की बात करो आप, मास इज़ वेरिएंट। आइंस्टाइन ने भी ये फॉर्मूला दिया था, उन्होंने कहा था कि जैसे मान लीजिए एक बॉडी रेस्ट पे है, उसका मास एम नॉट है, अब अगर वो बॉडी चलने लग जाती है वी वेलोसिटी से तो बॉडी का मास चेंज हो जाता है। ये एम नॉट रेस्ट मास है, एम इज एम नॉट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वी इज़ द स्पीड ऑफ बॉडी, सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इज 3×10⁻¹ मीटर पर सेकेंड। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बढ़ रहा है, वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर घट रहा है, एम की वैल्यू बढ़ेगी। अगर नीचे ये ऑब्वियस है घटा तो मास बढ़ा। तो मास एट रेस्ट इज स्मॉलर दैन मास इन मोशन, क्योंकि वेलोसिटी के बढ़ने से मास बढ़ी थी। लेकिन चार्ज रेस्ट पे है, जितना चार्ज मोशन में उतना ही होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा चार्ज भी रख देते तो चार्ज की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, चार्ज वही रहता जो पहले था। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चार्ज इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड। ऐसा नहीं हो सकता कि चार्ज पहले कुछ और था, चार्ज बाद में कुछ और था। तो चार्ज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनवेरिएंट स्केलर, मास इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएंट स्केलर। एक और प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, स्केलर्स कैन बी डायरेक्टली एडेड। 3 kg प्लस 2 kg इज़ डेफिनेटली 5 kg, 2 meter प्लस 3 meter इज़ 5 meter, 2 liter प्लस 5 meter यू कैन नॉट ऐड दम। ओनली identical scalars will be added. So these are the basic properties of scalars which you should know. इसी के basis पे हम आगे पढ़ेंगे।